मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फोर्सेज तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए जुल्म के जो वहशियाना हथकंडे इख्तियार कर रही है, उनमें एक हथकंडा कश्मीरियों की अंधाधुंध गिरफ्तारियां हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त भी मकबूजा कश्मीर और भारत की जेलों में 1000 से जायद कश्मीरी पाबंदे सलासल हैं, जिनमें से 500 कश्मीरियों पर काला कानून नाफिज किया गया है। इन गिरफ्तार अफराद के अहले खाना किस करब से गुजर रहे हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में ये गमजदा खावतीन भारतीय फोर्सेस और मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए गिरफ्तार किए गए नौजवानों की मुसलसल हिरासत के खिलाफ सरापाए एहतजाज हैं। ये जो बंदा है तकरीबन ये 15-20 साल से दुकानदारी कर रहा था, अच्छा खासा से चल रहा था, पता नहीं चला ये इसको अचानक क्यों उठाया गया है। हम भी परेशान है ये मामले में क्यों उठाया गया है, आज तक पता नहीं चला। अभी सोच रहा है आज छोड़ेंगे कल छोड़ेंगे। हम भी गए थे वो देखने के लिए, उन्होंने थाने में गए, उधर दाई भाई गए देखने, कोई जानकारी नहीं हुई है। तो आज ये पता चला कि दिल्ली वाले इसको उठा के, कितना अफसोस की बात है। एक दुकानदार, मामूली दुकानदार ऐसे उठाना, ये मामूली बात है, पता समझ में नहीं आता क्या बोले जाएगा इस मामले में। हमारे भाइयों को एक महीने से पहले इन्होंने बंद किया और बोला कि हम एक महीने के बाद इनको छोड़ेंगे, कभी बोला 2 दिन के बाद छोड़ेंगे, कभी बोला 3 दिन के बाद छोड़ेंगे। और उसके बाद हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। हम गली गली कोचू कोचू में, थानों में गए, हम जेलों में गए, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। हमारे भाई बेगुनाह है, हमारे भाई को कोई एक्ट नहीं है। हमने माना है यहाँ सदर राज है, लेकिन इस सदर राज में गुंडा राज क्यों है। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक लोगों का कहना है कि भारतीय फोर्सेस ने उनके प्यारों को बिला वजह गिरफ्तार किया और अब उनकी नजरबंदी को मुख्तलिफ बहानों से तूल दिया जा रहा है। ऐसा अकू नवंबर वो मैं फोन खानदार तुम्हें एमरजेंसी करके तो ईसा यूर के इनके थोड़ा सा कार्रवाई करें तुम कहीं पर्वाई त्रोन यह लेटर ऑन त्रोन यल मे बूज शाम न्यूज बहुत 4 ईयर्स पत् प्रेगनेंट रूस मैं मे बूज अम खबर सी गो मे मिस एबॉर्शन यह सो बच्चे इन से करो जस्टिस इन से करो इंसाफ इन मा दी एन आई बोले अंदर कहें कंटिन्यू एहतजाजी मुजाहरे में शरीक लोगों का कहना है कि भारतीय फोर्सेस के हाथों नौजवानों की गिरफ्तारियां मामूल बन चुकी हैं और इन फोर्सेस ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी है। ऐसी कठपुतली हुकूमत कहती है कि शाम को सब ठीक है, पुलिस तो रात को लेते हैं, जगह जगह छापे पड़ते हैं, तोड़ फोड़ होती है और ऐसे बाप के बल्ले बेटे को लेते हैं, बेटे के बल्ले बाप को लेते हैं और छोटे छोटे बच्चों को लेते हैं और पता नहीं फिर कहाँ ले जाते हैं, पता भी नहीं चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है। भारतीय फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार किए गए नौजवानों में चंद ऐसे नौजवान भी शामिल हैं जो अपने घरों के वाहिद कफील थे और उनकी गिरफ्तारी से कई खानदान शदीद सदमे में हैं। ये क्या एक्ट पे एक्ट लगा रहे हैं, ये क्या मसला है। हम यहाँ, हमें यहाँ जुल्म है, हमें यहाँ जबरूद है। हम सारे आवाम को अपील करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं इस मसले में शिरकत कीजिए। भारतीय काबिज अफवाज जहाँ कश्मीरियों के कत्लेआम और दीगर मजालिम में मसरूफ हैं, वहाँ तालिबे इल्मों को गिरफ्तार करके उनके मुस्तकबिल को एक मंसूबा बंद साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है। अब ये अक्वाम आलम की जिम्मेदारी बनती है कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फोर्सेस के हाथों इंसानियत की तजलील का नोटिस लेकर भारतीय मजालिम को रुकवाने के लिए आगे आएं।